बंगाल में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सकी। असम में महाजोत बनाकर कांग्रेस को महापराजय का सामना करना पड़ा। पुदुचेरी की सत्ता चली गई। केरल में कम्युनिस्टों ने जोरदार पटखनी दे दी। तमिलनाडु में डीएमके की वजह से कांग्रेस को कुछ सीटें मिल गई। पांच राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद ग्रुप 23 के नेताओं ने निशाना साधना शुरू किया था कि सोनिया गांधी ने एक कमेटी बना दी हार के कारणों का पता लगाने के लिए, ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके। अब पृथ्वीराज चौहान की अध्यक्षता वाली पांच सदस्य कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट कुछ इस तरह से तैयार की गई है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सूत्र बता रहे हैं कि बंगाल में सूपड़ा साफ होने का कारण फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के साथ किया गया गठबंधन है। असम में प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन बदरुद्दीन अजमल की वजह से सारा खेल खराब हो गया। मतलब कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे सीधे सीधे गांधी वाड्रा परिवार सवालों में घिरे। सूत्र बताते हैं कि केरल की हार से राहुल गांधी को बचाने के लिए हार की सामूहिक जिम्मेदारी और गुटबाजी के मध्य इसे डाल दिया गया है। पुदुचेरी में एंटी इनकम्बेंसी ने काम किया, लेकिन डीएमके की छत्रछाया में तमिलनाडु की जीत को राहुल गांधी की बड़ी सफलता बताई गई। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में असम में किए गए प्रियंका वाड्रा के चुनाव प्रचार की भी तारीफ की गई। इस कमेटी में कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और विंसेंट पाला भी शामिल थे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान इस समूह का नेतृत्व कर रहे थे। इसके सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के नेताओं के साथ कई बैठकें की। समूह को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी कांग्रेस के उसी ग्रुप 23 समूह का हिस्सा हैं, जो पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग पिछले कई महीनों से कर रहा है। कांग्रेस के शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति की डिजिटल बैठक में सोनिया गांधी ने प्रस्ताव दिया था कि चुनावी नतीजों के कारणों का पता लगाने के लिए एक छोटा समूह गठित किया जाए। इस पर सीडब्ल्यूसी ने अपनी सहमति दी थी। असम और केरल में सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। पश्चिम बंगाल में उसका खाता भी नहीं खुल सका। पुदुचेरी में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां कुछ महीने पहले तक वे सत्ता में थे। तमिलनाडु में उसके लिए राहत की बात यह रही कि द्रमुक की अगुवाई वाले उसके गठबंधन को जीत मिली। अब समीक्षा रिपोर्ट आ गई है, इस पर कोई कार्रवाई होगी इसकी उम्मीद जो लगाए बैठे हैं उन्हें एक बार फिर निराश ही होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।